इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों की तरफ एक नज़र। चलिए अहम खबरों का सिलसिला, उसकी शुरुआत अमित शाह से करते हैं। सोशल मीडिया पर अमित शाह को बोन कैंसर की खबर जोरों से चलाई जा रही है। कुछ फर्जी ट्विटर अकाउंट्स के जरिए यह कहा भी जा रहा है कि अमित शाह को खतरनाक बोन कैंसर है और मौत के करीब है। लिहाजा अहमदाबाद के उन 4 फर्जी ट्विटर अकाउंट्स वालों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने इस खबर को वायरल किया था। वहीं दूसरी ओर वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्विटर के जरिए अपने आप को तंदुरुस्त बताते हुए कहा कि मेरे बारे में झूठी खबरें फैला रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, पर यह सच नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी के बारे में बीमारी की अफवाह फैलाने से इंसान सेहतमंद होता है। वाजा रहे कि गृह मंत्री अमित शाह काफी दिनों से मीडिया किसी इजलास में नजर नहीं आए, पर जब विशाखापट्टनम गैस लीक मामले को लेकर वजीर आजम ने मीटिंग तलब फरमाई गई तो उसमें लंबे अरसे के बाद अमित शाह नजर आए, जिसमें कमजोर देखा गया जैसा दावा किया जा रहा है। कई सारे तस्वीरें भी शाया की गई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले वजन उनका घटा हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा इसी को दलील बनाकर अफवाहें फैलाई गई। यह भी कहा गया कि भाजपा के पिछले कई बुजुर्ग कैद किसी न किसी बीमारी का शिकार हुए थे, जिसमें अनंत कुमार हैं, सुषमा स्वराज है, अरुण जेटली है, मनोहर पर्रिकर अहम रहे, पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए बीमारी की खबर को गलत बताया। अफवाहें गश्त करती हैं, पर अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से आज भी मुल्क में यहां वहां लोग फंसे हुए, आज भी अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे। लिहाजा जो जिस तरह मुनासिब समझा घर पहुंचने की कोशिश कर रहा है और घर की तरफ लौट भी रहा है। ट्रेन बसेस का इंतजाम किया जा रहा है, पर कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बस ट्रेन के लिए कहां से किराया लाएंगे। पर रियासत कर्नाटक ने दुबई में फंसे कर्नाटक के लोगों को हवाई जहाज से मंगलोर पहुंचाने का फैसला लिया गया है। 12 तारीख को आएंगे, वैसे तो 14 तारीख को आना था, पर इन्हें 2 दिन पहले ही लाया जा रहा है, ऐसा मरकजी वजीर सदानंद गौड़ा ने बताया। दुबई में रोजी रोटी के लिए रियासत से गए नौकर पेशा लोग वहीं फंसे हुए थे, लॉकडाउन के चलते जहां थे वहीं रहना पड़ा। लिहाजा अब रियायत हासिल होने से और तमाम कारोबार और पाबंदियां हटाने की वजह से दुबई से कर्नाटक पहुंचने वालों की काफी तादाद है। पहले हामिला औरतें, बुजुर्ग और बच्चों को लाया जा रहा है। जैसे ही तमाम मंगलोर हवाई अड्डे पर जहाज उतरेगा, इन तमाम को 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। उडुपी और केरल वालों को घर जाने दिया जाएगा, पर होम क्वारंटाइन जरूर किया जाएगा। दरअसल खबर सुनाते वक्त अफसोस भी हो रहा है। हरियाणा में तकरीबन 250 ईमान वाले यानी 40 खानदान के लोग मुर्तद हो गए हैं। जिस कदर हालात बदलते जा रहे हैं, दिन ब दिन ईमान वालों पर हालात भी सख्त होते जा रहे हैं। जमीन तंग की जा रही है, तकरीबन पेशिंगोइयां अल्लाह के रसूल ने जो फरमाई थी मुकम्मल भी हो रही है। हम कयामत के आखिरी दौर में जी रहे हैं, मौत तो बरहक है, तुम किसी तरह से भी जिंदगी जी लो, तुम्हें मौत आखिर में आकर दबोच ही लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के करीब दिन पर चलना गोया जलते अंगारों को हाथ में थामने के बराबर होगा। एक और जगह फरमाया कि ऐसा दिन आएगा कि सुबह को ईमान वाला और शाम को काफिर होगा। एक और हदीस में आया है कि तुम पर यहूद मुशरिक इस तरह टूट पड़ेंगे कि भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। सहाबा इकराम ने पूछा, क्या उस वक्त हम बहुत कम होंगे? हम तो 313 थे, दुनिया पर गालिब आ गए थे, क्या उस वक्त 313 से भी कम होंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, बहुत होंगे। तुम समुंदर के झाग की तरह दूर दूर तक फैले हुए होंगे, पर तुम्हारे अंदर कोई इज्तमाइयत, कोई ताकत, कोई इत्तेहाद नहीं होगा। फिर साहबा ने पूछा, इसकी क्या वजह होगी? नबी ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। अगर इस हदीस के पस मंजर में देखा जाए तो नबी ने जिनके बारे में फरमाया वह आज का मुसलमान ही है। आज जिस कदर जमीन को तंग किया जा रहा है, बड़े बड़े उलमाओं को क्या करना समझ में नहीं आ रहा। खैर, हरियाणा में छोटे छोटे कस्बे हैं जहां पर जबरन मजहब बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। वहां के माजिद नाम के एक शख्स ने बताया कि मजहब ना बदलने पर क्या होगा और बदलने से क्या फायदा होगा बताएगा। लिहाजा गांव के तकरीबन 40 खानदानों के 250 मुसलमानों ने मजहब बदल दिया। मुसलमान इस्लाम के खिलाफ लिखे ट्वीट्स को हटाने की मांग भारत सरकार ने ट्विटर को की है। वजीर आजम मोदी के चहेते भाजपा एमपी तेजस्वी सूर्या के इस्लाम मुखालिफ ट्वीट ने दुनिया भर में शर्मिंदा किया है। वैसे तो भगवा ब्रिगेड ने भारत को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन अब खुद मोदी सरकार ही नफरत आमोस ट्वीट को निकालने के लिए ट्विटर को गुजारिश कर रही है। न्यूज 18 पर
छपी खबर के मुताबिक मोदी हुकूमत ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइटर ट्विटर से 121 तश्वीशनाक ट्वीट्स को हटाने के लिए कहा है। इनमें भाजपा बीजेपी के यूथ एमपी तेजस्वी सूर्या का एक ट्वीट भी शामिल है। बेंगलुरु से रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी ने 2015 में दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ने वाला यह ट्वीट किया था। कर्नाटक के तेजस्वी सूर्या 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने वाले सबसे कम उम्र का ही थे। उन्होंने 2015 में इस्लाम मुखालिफ ट्वीट किया था। उन्होंने सूर्या ने लिखा था, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं पर यकीनन दहशतगर्दों का एक मजहब है और वो है इस्लाम। इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले वजारात ने ट्विटर से इस ट्वीट को हटाने की गुजारिश की। वैसे तो सोशल मीडिया पर भक्त ब्रिगेड काफ़ी सरगर्म रहती है और इसे भाजपा आईटी सेल से भी हिमायत हासिल रहती है, लिहाजा मुसलमान इस्लाम और मजहबी मामला जानबूझकर निशाना बनाया जाता है, जिसका नतीजा भी हम सब देखते रहते हैं। पर हाल ही में दुनिया भर में मोदी हुकूमत पर तंज कसा गया और दुनिया में सबसे ज़्यादा अकलियतों पर हमले और जुल्म करने वाला मुल्क बनने लगा, तो फौरी तौर पर बदल कर सभी धर्म भाषा एक ही है का नारा लगाने लगी। भारत में कोरोना के आड़ में हो रहे मुसलमानों पर हमले की भी अक्वामी मुत्तहिदा ने दखल लेते हुए मोदी हुकूमत को सीधा 142 नंबर पर भेज दिया। दुनिया भर में हो रही जिल्लत के मद्देनजर काफी तब्दीलियां तो नजर आ रही है, पर अमल किस हद तक होता है अब देखना है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।